आज हम आपके लिए बना रहे हैं बटर चिकन। और बटर चिकन के लिए जो हमने लिया है वो है 3 चिकन ब्रेस्ट है और बोनलेस ब्रेस्ट। और ये इसका पीस देखें, ये बिल्कुल जो है वो छोटा सा है। ये इसको काटना आपने वैसे ही है जैसे चिकन टेरियाकी में आपको सिखाया काटना, लेकिन ये साइज़ में देखें ये बिल्कुल छोटा है उससे। तो इसको छोटा छोटा काटिएगा। ये 3 चिकन ब्रेस्ट हो गई। और उसके बाद हमें चाहिए ये 5 टेबलस्पून योगर्ट के, 4 टेबलस्पून जो हैं बेसन के, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून है पिसा हुआ जीरा, 3 चुटकी सिनेमन पाउडर यानी कि दारचीनी का जो पाउडर है वो है, और 1 टीस्पून जो है वो आपने नमक लेना है, और 2 चुटकी जो है ये ज़ाफ़रान की है। और अब इन सारों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए जो है वो आपने रख देना है इसको। अब ये सारी चीज़ें योगर्ट, ये दही और ये सारे जो मसाले थे ये सारे इसमें डाल देंगे और बस इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख देना है। और फिर इसके बाद इसको ग्रिल पे पकाएंगे 25 से 30 मिनट। अवन जो है वो आपने ग्रिल पे यानी ब्रॉयलर पे गर्म कर लेना है। अब इसको पड़े हुए आधा घंटा हो गया, अब हम इसको ग्रिल करने जा रहे हैं 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक। और ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीडियम प्याज चॉप कर लिया है, और 1 कप जो है वो धनिया का है, और 1 ये छोटा टिन है इसका टोमेटो पेस्ट का, ये इसके लिए चाहिए। 4 टेबलस्पून जो है वो हनी चाहिए है, 2 टीस्पून सूखी मेथी है, 1/2 कप जो है ये हैवी क्रीम है, या आप 10% भी वैसे 18% भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। और ये जो है ये 8 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च इकट्ठी चॉप की हुई है, और आधा लीमू और 3 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई। तो आप बनाना शुरू करेंगे। ये आधे घंटे के बाद हमने चिकन जो है उसको बाहर निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर के और साथ में 2-3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और इसमें अब हम जो है वो प्याज जो है वो 1 मीडियम उसको डाल देंगे। और हीट इस वक्त जो है वो लो से मीडियम है, प्याज हल्के से सौते हो जाएं और मतलब हल्के से पिंक हो जाएं तो इनमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। ये 5-6 लौंग और 5-6 इलायचियाँ, कश्मीरी लाल मिर्च ही जाती है, 2 टीस्पून आपने सूखा धनिया जो है उसके डालने, और नमक जो है वो पहले भी डाल दिया हुआ है 1 टीस्पून, इसलिए अपने फ्लेवर के हिसाब से जैसे आपका दिल करता है डाल, मैं 1/2 और डाल दी। और चूल्हा जो है वो इस वक्त हल्का कर लेना, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, और ये थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबलस्पून पानी डाल दें ताकि मसाला गले नहीं। और इसमें जो ये टोमेटो पेस्ट का टिन है छोटा, ये 156 ml वाला है, ये सारा डाल दें। और अब थोड़ी सी आंच फिर तेज कर लें, हल्की सी तेज करनी है, ज्यादा नहीं करनी। ये 3 हरी मिर्चें जो लंबाई में काटी थी वो भी आपने इस वक्त जो है ना वो अंदर डाल देनी है। और अब ये थोड़ा सा मसाला अच्छी तरह भून जाए तो ये आपने हनी भी डाल देना इसमें इस वक्त, लेकिन आंच हल्की कर देनी। हाफ कप हैवी क्रीम, और ये जो हमारा चिकन हमने बेक किया हुआ वो भी डाल दें। सूखी मेथी, और इस वक्त पकाते पकाते जो है ना वो आप इसकी थोड़ी थोड़ी बोटियाँ अगर तोड़ दें, हैं तो वैसे बोनलेस लेकिन थोड़ी थोड़ी तोड़ दें तो उनका टूटी हुई बोटी जो है ना उसका फ्लेवर फिर ऐसा ऐसा बहुत अच्छा इसमें आता है। और अगर आप इसमें चाहें तो जो बटर चिकन मसाला है किसी भी ब्रांड का वो भी डाल सकते हैं। ये मैं ये 1 टीस्पून डालने लगी,
और साथ में 1 teaspoon जो है गरम मसाला। इसके अंदर ये डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा हमने बचा लिया गार्निशिंग के लिए। अब ये इस तरह की थिक, थोड़ी सी ये थिक फॉर्म में है। अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा लिक्विडी करना है तो आप इसमें जो हैवी क्रीम है वो थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। और इसको आप तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए ना, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दें, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें ये कैसा जबरदस्त आपका बटर चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है।